अस्सलामु अलैकुम, शाजिया सलमान, इस्लामियात टीचर फ्रॉम ब्रिटेन इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम। आज हम रकू नंबर 5-6 के टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये हमारे सामने टेस्ट मौजूद है इस्लामियात का, कुल नंबर इसके हैं 30। सबसे पहले देखें हिस्सा मारूजी, सवाल नंबर 1, दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। नंबर 1 है अल मुतसद्दिकीन का मानी है, 4 ऑप्शन दी हुई हैं इसमें। नंबर 1 सच्चे मर्द, नंबर 2 सदका करने वाले मर्द, नंबर 3 रास्तबाज मर्द, नंबर 4 रोज़ा रखने वाले मर्द। इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सदका करने वाले मर्द। इससे पहले आपको बताया जा चुका है कि नून आएगा मर्द के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या है, सदका करने वाले मर्द। उसके बाद देखिए नंबर 2 मुबदी का मतलब है, 4 ऑप्शन दी हुई हैं। नंबर 1 जाहिर करने वाला, नंबर 2 छुपाने वाला, नंबर 3 मुती फर्माबरदार, नंबर 4 शर्म गाहें। इसका राइट ऑप्शन जो है मुबदी, नंबर 1 जाहिर करने वाला। नंबर 3 देखें खातमन नबीजीन किस नबी का लकब है, 4 ऑप्शन है। नंबर 1 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 4 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। राइट ऑप्शन इसका है नंबर 3, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमन नबीजीन का लकब दिया गया। उसके बाद देखें नंबर 4 लफ्ज़ अल-क़ानिताती के मानी हैं, नंबर 1 मुत्तकी औरतें, नंबर 2 खूबसूरत औरतें, नंबर 3 फर्माबरदार औरतें, नंबर 4 मेहनती औरतें। नंबर 3 जो है इसकी ऑप्शन ठीक है, फर्माबरदार औरतें, अल-क़ानिताती फर्माबरदार औरतें। उसके बाद देखें नंबर 5 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त दी गई, नंबर 1 2 शादियां करने की, नंबर 2 3 शादियां करने की, नंबर 3 4 शादियां करने की, नंबर 4 4 से ज़ायद शादियों की। अब राइट ऑप्शन जो है नंबर 4 है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 से ज़्यादा शादियां या निकाह करने की इजाज़त दी गई। उसके बाद देखें नंबर 6 शाहिदन मुबशिरन व नज़ीरन कहा जाता है, ये अलकाबात हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिफ़ात भी कहा जाता है और इसको मकाम व मनसब भी कहा जाता है। अब ये 3 सिफ़ात दी हुई हैं, नंबर 1 ऑप्शन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नंबर 2 सहाबा कराम को, नंबर 3 ताबीन, नंबर 4 औलिया कराम। नंबर 1 ऑप्शन जो है वो राइट है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद देखें नंबर 7 जिस रोज़ मोमिन अल्लाह से मिलेंगे उन्हें अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा मिलेगा, नंबर 1 नई ज़िंदगी का, नंबर 2 मंजिल का, नंबर 3 सलाम का, नंबर 4 अच्छी ज़िंदगी का। अब इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सलाम का, जिस रोज़ मोमिन अल्लाह से मिलेंगे तो उनके लिए अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा क्या होगा, सलाम का तोहफ़ा दिया जाएगा। उसके बाद देखें नंबर 8 अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किया, 4 ऑप्शन दी हुई हैं। नंबर 1 हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह अन्हो, नंबर 2 हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो, नंबर 3 हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हो, नंबर 4 हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हो। राइट ऑप्शन इसकी सेकेंड ऑप्शन बी, हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हो से अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह किया। उसके बाद देखें नंबर 9 अन अमल्लाहु अलैहि व अन अमता से मुराद है, आयत दी हुई है इससे मुराद, नंबर 1 ऑप्शन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो, नंबर 3 हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हो, नंबर 4 हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो। राइट ऑप्शन इसकी है सी, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हो, जिन पर
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एहसान किया और अल्लाह ने भी एहसान किया। उसके बाद देखें लास्ट नंबर 10, जो कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेगा वो हो गया। अब देखें 4 ऑप्शंस हैं, नंबर 1 सरीह काफिर, नंबर 2 सरीह मुनाफिक, नंबर 3 सरीह मुशरिक और नंबर 4 सरीह गुमराह। अब राइट ऑप्शन जो है इसकी वो है नंबर 4 सरीह गुमराह, यानी जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा तो वो सरीह गुमराह हो गया। ये हमारे 10 MCQ जो हैं यहाँ तक ख़त्म हो गए। इसके बाद हम देखेंगे हिस्सा इंशाइया। हिस्सा इंशाइया के देखें कुल नंबर हैं मुख्तसर सवालात के 12, 2 मार्क्स हैं 1 क्वेश्चन के। अब देखें 10 जेल सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 2 दिया हुआ है, इसका नंबर 1 देखें। क्वेश्चन है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जैद रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या छुपा रहे थे। अब देखें वही नाजिल होने के बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे थे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म का कि हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हु को तलाक दे दी तो उसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब से निकाह करना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने बज़रिया वही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे दिया कि वो तलाक के बाद हज़रत ज़ैनब की तलाक के बाद हज़रत ज़ैद से जब वो तलाक ले लेंगी तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे निकाह कर लेंगे। ये बात जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से छुपा रहे थे। अब नंबर 2 क्वेश्चन है, मुसलमान मर्दों और औरतों के क्या औसाफ बयान हुए हैं। अब देखें इस रकू में मुसलमान मर्दों और औरतों के 10 औसाफ बयान किए गए हैं। औसाफ क्या हैं, खूबियाँ। अब इसमें नंबर 1 है मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, नंबर 2 मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, नंबर 3 फर्माबरदारी करने वाले मर्द और फर्माबरदारी करने वाली औरतें, नंबर 4 सच बोलने वाले मर्द जिसमें दिया हुआ है रास्तबाज़ यानी सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, नंबर 5 सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजजी करने वाले मर्द और आजजी करने वाली औरतें, वहाँ झुकने भी दिया हुआ है साथ, झुकने वाले मर्द और झुकने वाली औरतें, उसके बाद रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, उसके बाद अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और कसरत से ज़िक्र करने वाली औरतें, उसके बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें। इन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम और बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी तैयार कर रखी है। उसके बाद है नंबर 3 पे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाबात तहरीर करें। अब अलकाबात जो हैं ये 3 तरह से जो है ये 3 तरह से आ जाता है सवाल, अलकाबात भी आ जाते हैं, सिफात भी आ जाती हैं और मकामो मनसब भी। अब तीनों का आंसर एक ही होगा, अलकाबात आएँ या फिर सिफात आ जाएँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकामो मनसब। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकामो मनसब है, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और चराग़ रोशन बनाकर भेजा है। 5 सिफात इसमें रकू में दी हुई हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर 4, मानी लिखें। नंबर 1 वतरन, इसका मतलब है हाजत। नंबर 2 है अमसिक, तू रोक रख। उसके बाद देखें नंबर 5 पे तर्जमा लिखें, वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइन रकीबा। वकाना और है अल्लाह अला पर कुल्ली हर शैइन चीज़ रकीबन निगाह रखने वाला, और अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखने वाला है। उसके बाद देखें नंबर 6, ख़त्म नबूवत के हवाले से एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें। ख़त्म नबूवत के हवाले से पहले कुरानी आयत देखें, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह खातमन नबीयीन। तर्जमा है इसका, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं बल्कि अल्लाह के पैगम्बर और नबियों की नबूवत यानी मोहर
यानी इसको ख़त्म कर देने वाले हैं। उसके बाद देखें सवाल नंबर 3, दर्द ज़ैल कुरानी आयात का तर्जमा लिखें। ये 8 मार्क्स की हैं, 1 आयत जो है वो 4 मार्क्स की है, 4+4 दिया हुआ है, 8 मार्क्स की दोनों आयात हैं। देखें नंबर 1, ला यहिलु लकन निसा मिम बादु वला अन तबद्दला बिहिन्ना। ला यहिलु नहीं है हलाल लका आपके लिए अन निसा औरतें, मिम बादु मिन से बादु बाद वला और नहीं अन के तबद्दला तब्दील करो बिहिन्ना उनके मुकाबले में, मिन से अजवाजिन बीवियां, वलव अगरचा आजबा का आपको अच्छा लगे हुस्न हुन्ना उनका हुस्न, इल्ला मगर माँ जो मलकत मलकियत हैं यमीनु का दायां हाथ तुम्हारे। अब देखें बा मुहावरा, ऐ पैगंबर इनके सिवा और औरतें तुमको जायज़ नहीं और ना ये कि इन औरतों को छोड़कर और औरतें करो यानी और बीवियां करो चाहे उनका हुस्न तुमको कितना ही अच्छा क्यों ना लगे मगर लौंडियों के बारे में तुमको इख्तियार है। नंबर 2 देखें, मा काना अलन नबी मिन हरजिन फीमा फ़रज़ अल्लाहु लहू। मा नहीं काना है अलन नबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिन से हरजुन कुछ तंगी फीमा इसमें फ़रज़ अल्लाहु अल्लाह ने फ़र्ज़ कर दिया या मुकर्रर कर दिया लहू उसके लिए सुन्नत अल्लाही अल्लाह का तरीका या अल्लाह की सुन्नत फिल लजीना फ़ी में अल्लजीना जो लोग खलव गुज़र चुके मिन कब्ल पहले से वकाना और है अम्रुल्लाही अल्लाह का हुक्म कदरन मकदूरा ठहर चुका। अब देखें बा मुहावरा, पैगंबर पर इस काम में कुछ तंगी नहीं कि जो अल्लाह ने उसके लिए मुकर्रर कर दिया और जो लोग पहले गुज़र चुके उनके बारे में भी अल्लाह का यही तरीका या यही आदत रही है और अल्लाह का हुक्म पहले ही ठहर चुका है। जी आज की हमारी टेस्ट की डिस्कशन यहाँ तक ख़त्म हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।